सिंह, आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज और वक्त हो गया है आज सुबह की सभी ताजातरीन खबरों का। यूपी में अब ट्रेन की तरह रोडवेज बसों की भी मिलेगी लाइव लोकेशन, स्टॉपेज के साथ विलंब व निरस्त की भी मिलेगी जानकारी। बिहार से राजद सांसद मीसा ने नीतीश सरकार के बाढ़ प्रबंधन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार अगर पहले जाग जाती तो ऐसी तबाही को रोका जा सकता था। दिल्ली के बिहार भवन में 10 फीट लंबा कोबरा सांप निकलने से हड़कंप मच गया। इस बीच दिल्ली फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। पंजाब में आम आदमी क्लिनिक की सफलता के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि आम आदमी क्लिनिक को खोलने का उद्देश्य केवल छोटी छोटी बीमारियों का इलाज करवाना ही नहीं बल्कि समय पर बड़ी बीमारी का भी पता लगाना है। हरियाणा के सिरसा डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह के पैरोल आवेदन को रद्द करने की मांग को लेकर रामचंद्र छत्रपति के पुत्र अंशुल छत्रपति ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा है। अंशुल ने आशंका जताई है कि गुरमीत सिंह पैरोल पर बाहर आकर चुनावों में किसी खास राजनीतिक दल को फायदा पहुंचा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छोटे भाई पंकज मोदी ने केदारनाथ धाम में बाबा केदार के दर्शन किए। उन्होंने कहा कि वह 2 दशक से बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम आ रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि आदिवासी मूलवासियों में से कुछ को तोड़कर मेरी शक्ति कम करने की कोशिश हो रही है। दिल्ली में रहकर संघ लोक सेवा आयोग के सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने के इच्छुक छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए खुशखबरी है। युवा उत्थान योजना के तहत ट्राइबल यूथ हॉस्टल में 135 सीटें बढ़ाने के प्रस्ताव को वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है। दोस्तों, आगे की खबर पे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया और इस पर कमेंट नहीं किया है तो जल्दी से कर दे, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे चेहरे पे खुशी छलका देता है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है, जहां पूरे देश में कई जगह कार्यक्रम आयोजित कर उनके योगदानों को याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हजारीबाग दौरे पर आ रहे हैं। वो यहां कई योजनाओं की सौगात देंगे। इसके अलावा वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण आज लगने जा रहा है। ये वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा, जिसे रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। वहीं सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उस समय यहां रात होगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर आज नवाचार के क्षेत्र में ग्वालियर में नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिन ग्वालियर की आदर्श गौशाला लाल टिपारा में बायो CNG प्लांट का वर्चुअली शुभारंभ करेंगे। मध्य प्रदेश में आज पूरे प्रदेश में ड्राई डे घोषित कर रखा है। गांधी जयंती के दिन पूरे प्रदेश में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। योगी सरकार आज स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले सफाई मित्रों समेत अन्य लोगों को स्वच्छता ही सेवा अवार्ड से सम्मानित करेगी। यह अवार्ड कुल 9 श्रेणियों में दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली के अलावा राजधानी के सभी बॉर्डर्स पर 5 अक्टूबर तक धारा 163 लागू की है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इन सभी इलाकों में 5 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। आज प्रशांत किशोर की उपस्थिति में बिहार के सभी पंचायतों, प्रखंडों और जिलों से जन स्वराज से जुड़े लोग पटना आ रहे हैं और जन स्वराज अभियान को दल बनने के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। बंगाल के गवर्नर CB आनंद बोस की ममता बनर्जी को चिट्ठी, केंद्र से मिले 1.17 लाख करोड़ का हिसाब मांगा। कहा CAG रिपोर्ट विधानसभा में पेश करें। मध्य प्रदेश में 1 जनवरी 2025 से बंदी जेल सुधार अधिनियम लागू होगा। इसे लेकर सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के ऊना में डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग के सम्मेलन का शुभारंभ हुआ, जिसमें मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य में डिजिटल प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग से सरकारी सेवाओं को अधिक सुगम और प्रभावी बनाया जाएगा। महाराष्ट्र में आरक्षण की लड़ाई एक बार फिर से तेज हो गई है। पुणे में OBC कार्यकर्ता लक्ष्मण हेग के साथ मराठा समुदाय के सदस्यों ने कथित तौर पर मारपीट और एक दूसरे के साथ दुर्व्यवहार किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। राजस्थान में भाजपा के सदस्यता अभियान का दूसरा चरण मंगलवार से शुरू हो गया। इस चरण में पार्टी के सभी 7 मोर्चा, 19 प्रकोष्ठों और 15 विभागों से जुड़े नेता आमजन को पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। तो ये थी आज सुबह की ताजातरीन खबरें। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आप और आपके जाने वाले रह सके देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट।